गुड इवनिंग बच्चों, ये सारे जो आंसर्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। आपको जहाँ पे लेट हिम स्पीक है उसके स्थान पे शुड स्पीक लेना होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका है ही, उसके लिए हमको वर्ब चाहिए, ठीक है। और वो वर्ब ऐसी चाहिए जिसका अर्थ होना चाहिए कि उसे बोलने दिया जाए, यानी उसे बोलना चाहिए। अगर आप लिखते हैं कि लेट हिम स्पीक होता है तो जाएगा उसे बोलने दिया गया, उल्टा अर्थ हो जाएगा। आप मुझे उसे बोलने दिया जाए, इसलिए लेट हिम स्पीक के बजाय ही शुड स्पीक हो जाएगा, यानी यहां लेट हिम स्पीक के स्थान पे शुड स्पीक ले जाए। दूसरे क्वेश्चन में जहां पे ट्रुथ लिखा था, वो ट्रुथ के पहले आपको द लगाना होता है, क्योंकि आपको याद होगा स्पीक ट्रुथ नहीं होता है, स्पीक द ट्रुथ होता है। तो ट्रुथ यहां स्पेसिफाई करने के लिए आपको उसके पहले द लगाना होगा। तीसरे में आप देख रहे होंगे वहां पे ऑफ हिज थ्री सन्स लिखा है। अगर ऑफ हिज थ्री सन्स है तो थ्री के लिए हम नीदर कैसे लगा सकते हैं, नन का प्रयोग करना होगा। दो के लिए हम इधर या नीदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन दो से अधिक के लिए हम नन का या एनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नन हो जाएगा। चौथे में आपको इट इज टाइम के बाद यू डिसाइड दिया गया है। आप देख रहे होंगे इट इज टाइम हो या इट इज हाई टाइम हो या इट इज अबाउट टाइम हो या फिर आई विश का प्रयोग है, तो इसके बाद हमेशा पास्ट इंडिफिनिट, नॉर्मली के पास्ट इंडिफिनिट लेते हैं, कभी कभी पास्ट परफेक्ट आ सकता है लेकिन वो बाद में लिखा जाएगा। अभी यहां पे आपको पास्ट इंडिफिनिट लेना होगा, अर्थात वो डिसाइड नहीं डिसाइडेड हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन में आपके मेनी और स्टूडेंट दिया गया था, वहां हैव नहीं हैज हो जाएगा, क्योंकि मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, नाउन ऑलरेडी स्टूडेंट है तो फिर वर्ब आपकी हैव के बजाय हैज। ओके, थैंक यू।